फ्रेंड्स, लास्ट टाइम वी डिड द लॉ ऑफ डी एम यू। हाँ, मेजॉरिटी स्टूडेंट ने आंसर भी दे दिए हैं। ओके, एक दो एक्सेप्शंस तो हैं ही। सो कल जो अभी वी डिड द लॉ ऑफ डी एम यू बच्चों। सो आई टोल्ड यू द लॉ ऑफ डी एम यू, वी हैव टू गिव द फर्स्ट इंट्रोडक्शन बच्चों, देन वी हैव टू गिव द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट मीन्स डेफिनेशन बच्चों। देर आफ्टर वी हैव टू पुट मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट बच्चों, इट्स एक्सप्लेनेशन। देन वी हैव टू पुट द बच्चों टेबल, अगेन एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, अगेन एक्सप्लेनेशन। ओके बच्चों, ओके। डू यू रिमेंबर बच्चों, द इन द लॉ देर इज ए स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, बींग अदर थिंग कॉन्स्टेंट था बच्चों, ऐसा कुछ, अदर थिंग बींग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग बींग इक्वल, इज देयर? यस। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है मेरा लॉ अप्लाई करने के लिए, अल्फ्रेड मार्शल रूल क्या था बच्चों, एज द स्टॉक इंक्रीज, एज द स्टॉक इंक्रीज बच्चों, देयर एम यू विल डिमिनिस बच्चों, एज द स्टॉक डिक्रीज बच्चों, देयर एम यू विल इंक्रीज बच्चों। ए अपोजिट रूल होता बच्चों लॉ ऑफ डी एम यू का बच्चों, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी बच्चों। जो चीज़ जितना ज़्यादा होता है बच्चों उसका अहमियत हमारे लिए उतना कम रहता है, और जो जितना कम रहता है बच्चों उसकी अहमियत उतना हमारे लिए ज़्यादा होता है बच्चों। क्यों बच्चों? मंडे टू सैटरडे बच्चों, वाई वी गिव सो एक्साइटेड अबाउट द संडे बच्चों, बिकॉज वीक में वो एक डे ना ऑफ ना बच्चों, उल्टा आता तो बच्चों मंडे टू सैटरडे ऑफ रहता बच्चों, और खाली संडे को वर्क रहता तो छः दिन ऑफ, मस्त ना। अभी तो पिछले चार पाँच महीने से तो ऑफ ही है बच्चों, रोज संडे अपने लिए। अब बच्चे कुछ लोग बोल रहे हैं कब स्कूल चालू हो, कब बोर हो रहे घर में बैठ के। सो बिकॉज बच्चों संडे आफ्टर द सिक्स वर्किंग डेज देर इज वन डे ऑफ, दैट इज सो एक्साइटेड वी आर। इसका स्टॉक कम है ना बच्चों, इसलिए वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा दिख रहा है आपको। अगर मंडे टू सैटरडे ऑफ रहे और खाली संडे को काम रहे बच्चों, सो वी आर नॉट वेटिंग फॉर अरे मंडे का भी आ रहा है, मंडे का भी आ रहा है। ओके, बट संडे एक ही दिन है, पढ़ दो संडे चला गया मंडे के दिन ही बोलते, फिर मंडे का भी आएगा भाई, जस्ट सब एक दिन हुआ है, बिकॉज इट्स ओनली वन डे बच्चों। सो एज अ नॉर्मल नेचर, वेर एवर द स्टॉक वी हैव मोर देन एम यू विल डिक्रीज बच्चों, एंड स्टॉक लेस रहेगा बच्चों तो उसका एम यू ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो अपना लॉ था ना बच्चों, दिस इज लॉ राइट। बट अल्फ्रेड मार्शल सेइंग टू सेटिस्फाई माई दिस कंडीशन यू हैव टू फुलफिल सम कंडीशन बच्चों। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है मेरा लॉ अप्लाई करने के लिए देर इज समथिंग कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट रिमेन फिक्स्ड बच्चों। ओके, सो टू सेटिस्फाई द अल्फ्रेड मार्शल लॉ, देर आर सर्टेन एजम्पशन है बच्चों, एजम्पशन, एजम्पशन मतलब बच्चों कंडीशन, एजम्पशन मीन बच्चों कंडीशंस, तो कुछ कंडीशन है बच्चों दैट रिमेन हैव टू बी फिक्स्ड। तो अल्फ्रेड मार्शल बोलता है मेरा लॉ तो अप्लाई होगा, स्टॉक ज़्यादा होगा तो एमयू कम, स्टॉक कम है बच्चों एमयू ज़्यादा, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए बच्चों। अगर एक कंडीशन चेंज हुआ बच्चों तो मेरा लॉ अप्लाई नहीं होने वाला, दैट इज अल्फ्रेड मार्शल सेइंग दैट। अल्फ्रेड मार्शल सेइंग दैट इफ़ यू वांट टू फुलफिल यूज माय लॉ, देर इज सम कंडीशन दैट नीड टू बी फिक्स्ड। ओके, तो अल्फ्रेड मार्शल का लॉ के लिए क्या क्या कंडीशन है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन बच्चों। तो दैट इज द वर्ड बींग अदर थिंग कॉन्स्टेंट, बाकी सब कुछ सेम रहना चाहिए, ओनली स्टॉक चेंज होना चाहिए तो मेरा लॉ अप्लाई होगा। तो क्या क्या एजम्पशन बच्चों देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी। तो देर इज 9 एजम्पशन बच्चों। ओके, फर्स्ट द गिवन द बच्चों होमोजेनिटी, होमोजेनिटी देर इज 2 वर्ड बच्चों, होमोजेनिटी वर्सेस हेट्रोजेनिटी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सिमिलर बच्चों,
होमोजेनिटी मतलब सिमिलैरिटी एंड हेट्रो मतलब बच्चों डिफर डिफरेंट। तो आई थिंक चैप्टर नंबर 6 में वर्ड आएगा बच्चों हेट्रोजेनिटी, 6th और 7th में देर इज हेट्रो। तो होमोजेनिटी वर्सेस हेट्रोजेनिटी, तो होमोजेनिटी मतलब सिमिलर, हेट्रोजेनिटी डिफरेंट बच्चों। तो व्हाट द अल्फा मार्स आर सेइंग दैट, अल्फा मार्स आर सेइंग दैट द स्टॉक ऑल द स्टॉक व्हाट यू कंज्यूम देयर कलर साइज टेस्ट प्रेफरेंस वुड रिमेन सेम बच्चों। अगर मैं बिस्किट कंज्यूम कर रहा हूँ बच्चों तो बिस्किट का साइज टेस्ट सब सेम होना चाहिए। मैंगो कंज्यूम कर रहा हूँ मैंगो का साइज शेप टेस्ट कलर सब इक्वल होना चाहिए बच्चों। अब जस्ट मैंगो का एग्जांपल ले लो बच्चों, वन मैंगो जो येलो कलर का बच्चों एकदम गोल्डन कलर में और अदर मैंगो बच्चों एकदम ग्रीन कलर में। सो हमारा माइंडसेट क्या बच्चों, येलो वाला है ज़्यादा मीठा रहेगा पका हुआ है और ग्रीन वाला है तो ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा। दैट इज कॉमन जनरली माइंड सेट ऑफ द पीपल हैव बिकॉज कलर ने मेरे को इतना अट्रैक्ट कर लिया बच्चों। ऑल दो जो पीला कलर का था बच्चों खट्टा निकलेगा ओके ना, ग्रीन और मीठा रहेगा बट माइंड सेट बच्चों यू हैव मेड द माइंड सेट ओके बच्चों। सो दैट इज अ होमोजेनिटी। तो अल्फा मार्शल सेइंग दैट द प्रोडक्ट साइज टेस्ट प्रेफरेंस कलर इट रिमेन्स शुड बी सेम बच्चों। तो प्रोडक्ट का साइज बच्चों कलर टेस्ट शेप ये सब क्या रहना चाहिए बच्चों, रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, रिमेन सेम बच्चों। अभी मैंने क्या लो बच्चों वो कलर, मैंगो का कलर देख के बच्चों वी आर मोर अट्रैक्टेड ना, कलर कॉम्बिनेशन से मैं ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा हूँ, तो मुझे रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है बिकॉज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन बच्चों। ऑल दैट इज नॉट sweeted that mango but still the color is attracting me, that's why the IMU is so high bachcho okay. So he's saying that homogeneity part okay bachcho. So the law assume that the unit of commodity consumed by consumer are treated to be uniform bachcho, uniform matlab similar bachcho uniform. To aap jo bhi product consume kar rahe bachcho sab kya hona chahiye, same size same color ka hona chahiye bachcho. They are identical or the same in the case of the size, color, shape, taste, quality बच्चों okay बच्चों। आप सोचो बच्चों वन मैंगो कंज्यूम किए और नट स्वीट, सेकेंड मैंगो भी कंज्यूम किए नट स्वीटर, थर्ड मैंगो भी कंज्यूम किए मज़ा नहीं आया बच्चों एकदम खट्टा ही निकला। लॉ ने अल्फा मार्शल ने क्या बोला था बच्चों, स्टॉक ज़्यादा कर रहा था अमीर कम होना चाहिए ना, तो वन मैंगो टू मैंगो थ्री मैंगो स्टिल दे आर नॉट एज स्वीटर एज वी आर एक्सपेक्टेड, लेकिन फोर्थ मैंगो बच्चों ज़्यादा स्वीटर निकला ओके बच्चों कंपेयर टू फर्स्ट थ्री मैंगो, फोर्थ मैंगो मस्ट स्वीटर। आप बोलो बच्चों आप कौन से मैंगो ज़्यादा सेटिस्फाई हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ वाले थे बच्चों, क्यों क्योंकि फोर्थ वाला ज़्यादा मीठा था बच्चों, लेकिन अल्फा मार्शल लॉ तो ब्रेक हो गया बच्चों, क्योंकि अल्फा मार्शल क्या बोलता है जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो फर्स्ट टाइम उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा एमयू मिलेगा, स्लोली एमयू कम होएगा। यहाँ तो बच्चों पहला तीन में एमयू कम मिला मेरे को, फोर्थ वाला एमयू ज़्यादा, क्यों कि फोर्थ मैंगो इज मोर स्वीटर देन द फर्स्ट थ्री। हेंस ही सेइंग दैट द प्रोडक्ट शुड बी द होमोजेनिटी इट शुड बी द आइडेंटिकल इट शुड बी द यूनिफॉर्म बच्चों ओके। प्रोडक्ट का साइज टेस्ट कलर शेप ये सब क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए ओके बच्चों। सेकेंड बच्चों सिंगल यूज, इट शुड नॉट बी द मल्टीपल यूज बच्चों। ईच प्रोडक्ट का बच्चों एक ही यूज होना चाहिए, बिकॉज अगर मल्टीपल यूज होगा तो क्या होगा बच्चों हम वो स्प्रेड होएगा अपना कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग क्या करेंगे चलो भाई ओके एक जगह नहीं यूज होना बाकी तो यूज हो रहा है ना, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट, दे हैव टू बी सिंगल यूज बच्चों ओके। यूटिलिटी या मल्टीपर्पज फॉर सम ऑफ द गुड्स we satisfy the variety of wants but here it assume that the commodity used for us satisfy the single wants bachcho okay. All the bachcho hum log feature mein padha tha it is a multiple use multi purpose but alpha mar se bolta hai mera law apply karna hai to product have to be single uses bachcho, it should not be used for the multiple purpose bachcho okay. Then third bachcho cardinal measurement, कार्डिनल मेजरमेंट बच्चों। अब क्या बच्चों कार्डिनल मेजरमेंट, कल मैंने बच्चों आपको
टेबल कराया था, 1, 2, 3 अब आप 10 यूनिट्स 8 यूनिट 6 यूनिट एक क्या बच्चों एम यू का नंबर डाला ना, नंबर क्या हो गया कार्डिनल। ठीक है बच्चों, इन द फ्यूचर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स बच्चों, वी ओनली कंपेयर ना, फर्स्ट मैंगो इज बेटर देन द सेकेंड, सेकेंड मैंगो इज बेटर देन फर्स्ट, वी ओनली कंपेयर। बट अल्फा मार्क्स बोलता मेरे को अगर मेरा लॉ लोगों को एक्सप्लेन करना है, कॉमन मैन तक लोगों को पहुँचाना है, तो मेरे को कुछ नंबर्स डालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर से क्या था इजीली डेटा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। ओके दैट्स व्हाई देखो देखा फर्स्ट मैंगो 10 यूनिट 6 फिफ्थ मैंगो था बच्चों 0 6 नेगेटिव इट्स शोइंग द ओके। तो नंबर से हम लोग को ईजिली समझ में आएगा बच्चों। तो टू अंडरस्टैंड दिस लॉ अल्फा मार्शल अज्यूम दैट देर हैव टू सम नंबर्स बच्चों, तो हम लोग उसको काउंटिंग कर सकते बच्चों, ये एजम्पशन है बच्चों। ओके यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर्स सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द ईच एंड एवरी यूनिट, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द लॉ बच्चों। तो लॉ को अंडरस्टैंड समझ करने के लिए बच्चों अल्फा मार्शल ने एजम्पशन रखा कि हम लोग उसको क्या करें नंबर्स में काउंटिंग करें बच्चों। इससे क्या फ़ायदा है बच्चों, नंबर्स को हम लोग डेटा जब रहता है नंबर्स बच्चों तो उसको हम लोग ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, राइट बच्चों। देन द फोर्थ पॉइंट बच्चों देयर शुड बी रैशनैलिटी, रैशनैलिटी मतलब पहले कल बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन में देखा था द कंज्यूमर शुड बी रैशनल वन, रैशनल कंज्यूमर बच्चों पढ़ी रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर शुड ऑलवेज मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, हर कस्टमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का ऑलवेज ट्राई होना चाहिए बच्चों। ओके ना, यू ऑलवेज ट्राई टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बच्चों, जरा रैशनल कंज्यूमर बच्चों। ओके अ कंज्यूमर मेजर टू बी अज्यूम टू बी द रैशनल पर्सन एंड हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड देयर फोर ही ट्राइड टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों इसका बिहेवियर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बच्चों बच्चों अगर मान लो दुकान पे 10 कस्टमर दिख रहा है उसमें से 9 कस्टमर बोल रहे हैं बच्चों 10 रुपये का जो 8 रुपये कम करो ना 2 रुपये कम करो ना, एक बार भाई साहब क्या कम कर रहे हो आप और ज़्यादा लो, तो हम लोग सारे नए लोग क्या करेंगे बच्चों वो जो नया कस्टमर उसके तरफ चेहरे पर देखते रहेंगे हम लोग, भाई बिकॉज ये एबनॉर्मल, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर सारे कस्टमर ये बिलीव करते हैं कि प्राइस कम होना चाहिए एंड द वन दैट कस्टमर इज अ एक्सेप्शन ही सेइंग द प्राइस ज़्यादा लो, इट इज़ अ एबनॉर्मल पर्सन, इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन बच्चों। ओके तो अल्फा मार्शल बोलता कंज्यूमर कैसा होना चाहिए नॉर्मल कैटेगरी का होना चाहिए, अब जो नॉर्मल कंज्यूमर ऑलवेज बिलीव करता है तो गेट मोर प्रॉफिट मोर सेटिस्फैक्शन बच्चों। ओके देर शुड नॉट बी अ ब्रेक बच्चों, बचपन में 2-3 साल के बच्चे लोग को देखे बच्चों 3-4 साल के बच्चे को भी वो मम्मी उसको खाना खिलाएगी और वो एक निवाला मुंह में लेता बच्चों फिर दौड़ के जाता इधर उधर खेल के आता फिर आ करता फिर मम्मी देती उसको, फिर वो 4-5 का पूरा फिर 5 मिनट घूम के खेल के इधर उधर खेल के आता फिर आ करता फिर मम्मी देती और वो इस तरह से ज़्यादा खा लेता है, उसको एक जगह बिठा के खिलाते साथ कम खाता था लेकिन वो खेलते खेलते खिलाते ज़्यादा खा लिया, क्या लॉजिक है बच्चों। जब एक साथ कंटिन्यूटी खाता रहेगा बच्चों तो यू गेट बोर, लेकिन जब एक निवाला लिया बच्चों फिर वो 5 मिनट इधर उधर खेलने लगा तो उसका मुंह का टेस्ट ऑटोमेटिकली फिर नॉर्मल हो गया बच्चों, फिर वापस वो मुंह में ले रहा है बच्चों फिर वो खा रहा है फिर उस पर 5 मिनट का ब्रेक हो रहा है बच्चों फिर वो सब नॉर्मल हो रहा है बच्चों, लेकिन आप जब कंटिन्यू खाओगे बच्चों तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा आपका मुंह का टेस्ट हो फ्लेवर जो है प्रोडक्ट का बच्चों यू गेट दैट यूज टू बी। ओके आई गेट गेटिंग नाउ बोरिंग, ओके सो आपका एम यू लेवल विल डिक्रीज होगा बच्चों, दैट्स वाई सेइंग दैट कि मेरा एम यू का लॉ अप्लाई करना रहेगा तो उसके लिए प्रोडक्ट कंटिन्यू करूँ वन आफ्टर अनदर बच्चों, इट शुड नॉट बी ब्रेक बिटवीन द टू प्रोडक्ट, एक आपने कंज्यूम किया फिर दूसरा कंटिन्यू होना चाहिए बच्चों वन आफ्टर अनदर, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए बच्चों, बिकॉज अगर फर्स्ट और सेकेंड के बीच में गैप आया बच्चों सो ऑटोमेटिक यू गेट मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेसन, क्विक सक्सेसन मतलब कंटिन्यू बच्चों, ओके वन आफ्टर अनदर एम यू विल नॉट डिमिनिश इफ देर इज अ टाइम इंटरवल बच्चों, यस ऑफकोर्स बच्चों अगर आपने एक मैंगो खाया आधा एक घंटे के बाद फिर आके खाओगे तो आपको मजा आएगा ना बच्चों,
यू विल नॉट बोर गेट बोर और डिससेटिस्फाइड। कोई भी आप खाना ही खा रहे बच्चों, आधा एक घंटे बाद फिर खाओगे फिर चलेगा क्यों बच्चों। तो दैट्स वाई देर शुड बी द कंटिन्यूटी। ओके सो वेन एवर यू वॉन्टेड टू कंज्यूम द प्रोडक्ट्स देट हैव टू बी कंटिन्यू, यू शुड नॉट बी एनी इन टाइम इंटरवल गैप बच्चों। ओके बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स देन बच्चों रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी बच्चों बच्चों मतलब इज अ स्टैंडर्ड साइज बच्चों। रीजनेबिलिटी मीन्स स्टैंडर्ड साइज। हर एक का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए अल्फा मार्सल सेइंग दैट। से एग्जांपल आप लोग का कॉलेज स्टार्ट हो गया बच्चों और सपोज अक्टूबर में पीक हीट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों और आप कॉलेज से दौड़ के भाग के भाग के आए, मम्मी मम्मी बहुत प्यास लगा बहुत प्यास लगा। मम्मी भी थोड़ा मूड में थी उस टाइम, आ बेटा मैं तुझे ड्रम से पानी पिलाती हूँ। क्या मम्मी क्या बोल रहे हो आप? तो दैट इज ड्रम इज नॉट अ साइज ऑफ, जो ज़्यादा प्यास लगा तो मतलब ड्रम से पी लो। ओके यू कैन ड्रिंक द वाटर विद द ड्रम और द विद चम्मच, यू हैव टू तो ग्लास ऑफ वाटर कप ऑफ टी। इस तरह का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, नाइदर बी टू बिग नॉट टू बी टू स्मॉल बच्चों। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए बच्चों, नाइदर बी टू बिग और नॉट टू स्मॉल। ओके बच्चों इट शुड बी द नॉर्मल साइज का होना चाहिए बच्चों, लाइक द कप ऑफ टी बच्चों, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज स्टैंडर्ड साइज बच्चों। प्लीज अल्फा मार्सा बोलता है कि कोई प्रोडक्ट का जो साइज हो ये रीजनेबल होना चाहिए, बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं है ना। द यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम शुड बी द स्टैंडर्ड और नॉर्मल साइज, इट शुड नॉट बी नाइदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल बच्चों। सो कप ऑफ टी ग्लास ऑफ वाटर से एग्जाम्पल बच्चों रोटी ले लो चपाती बच्चों या पूड़ी बनाते बच्चों, तो पूड़ी का साइज सो स्मॉल बच्चों तो इट लुक लाइक अट्रैक्टिव। तीन चार रोटी खा रहे बीच में एक स्मॉल साइज का आ गया बच्चों तो ऑटोमेटिक हमारा इंटेंस माइंड सेट थोड़ा क्या होगा चेंज होएगा, या पूड़ी के साथ एक पूड़ा आ गया बच्चों बड़ा आ गया तो फिर अगेन इंटेंस चेंज। इट शुड बी से द नॉर्मल साइज शुड बी बच्चों। ओके देन बच्चों सेवेंथ पॉइंट इज द कंसिस्टेंसी, सॉरी कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंट बच्चों, कॉन्स्टेंट मतलब आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट बच्चों योर बिहेवियर रिमेन कॉन्स्टेंट बच्चों, योर बिहेवियर शुड नॉट बी चेंज बच्चों। क्योंकि अगर सपोज एग्जाम्पल लेट एग्जाम्पल बच्चों आप पर्टिकुलर पर्सन है एंड पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज हेटिंग दैट एनी प्रोडक्ट बच्चों, लेट्स एग्जाम्पल द खीर, उसको खीर एकदम पसंद है बच्चों, ही हेट खीर। ओके बच्चों अब वो बच्चों फ्रेंड किसी के घर पे गया और उसके फ्रेंड ने उसको ऑफ़र कर दिया खीर, अभी घर में तो बोलता है नहीं खाऊंगा लेकिन अब वो फ्रेंड के घर में ऑफ़र कर दिए कैसे मना कर सकता कि नहीं खाऊंगा मैं, और उसने खाया और उसको खाने का मज़ा आ गया अच्छा लगा बच्चों, तभी वो क्या करेगा अपने घर पे भी आके बोलेगा ला भाई खीर ला। वाई बच्चों उसका माइंडसेट चेंज हो गया बच्चों, द प्रोडक्ट इज़ इन द फेवर, उसका जो टेस्ट था बच्चों इन द फेवर अब आ गया, अब उसको वो प्रोडक्ट पसंद आने लगा बच्चों। दे विल डिमांड मोर एंड मोर एंड ही विल गेट मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन बच्चों। उल्टा हो जाए बच्चों कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बच्चों बहुत अच्छा आपको बहुत टेस्टी है, कभी कभी तो घर में बच्चों कोई आपको पसंद का सब्जी बन गया बच्चों आप खा रहे हो और आजकल तो मालूम बच्चों 3-in-1 करते हम लोग, खाना भी खा रहे टी वी भी चालू आया बाद में किताब भी पढ़ते रहते, उस चक्कर में फेवरेट चीज़ खाते 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 बच्चों मुँह में आ रहे आपने मिर्ची भी खा लिया, अब वो तीखा लगने लगा, उस तीखे की वजह से बच्चे आपने वो सब्जी छोड़ दिया, ये क्या बच्चों माइंड सेट चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आफ्टर कंज्यूमिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट बच्चों यू शुड नॉट गेट इन फेवर ऑफ, यू शुड नॉट गेट इन अगेंस्ट ऑफ, ना तो उस प्रोडक्ट के आपको फेवर में जाना है क्योंकि फेवर में आ गया तो क्या होगा बच्चों यू विल डिमांड मोर, अगर आप उसके अगेंस्ट में आ गया तो यू विल नॉट डिमांड एट ऑल। इसलिए आप जैसे आपका नॉर्मल बिहेवियर था वैसे ही बिहेवियर होना चाहिए, आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ओके बच्चों
So income, taste, habit, liking, etc. of the consumer and the price of commodity remain constant throughout the period of consumption. तो जब भी goods produce कर रहे बच्चों, consume कर रहे हो आप, तो आपका income, taste, habit, like, dislikes बच्चों remain constant होना चाहिए. It should not change. Okay बच्चों. And then बच्चों point number 8 है, condition of divisibility बच्चों. डिविजुअल बच्चों, यस बच्चों. अब एमयू का स्टॉक में क्या रूल है बच्चों, एज द स्टॉक इंक्रीज बच्चों द एमयू विल इंक्रीज डिक्रीज ना बच्चों. बट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं बच्चों जो हमारे घर में सिंगल पीस ही स्टॉक क्या बच्चों, घर में किसके, अब हम लोग मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले लोग बच्चों, तो एक घर में एक ही टी वी रहेगा बच्चों. अब वो टी वी का एमयू ज़्यादा रहेगी कम रहेगा कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों, घर में तीन चार टी वी रहेगा तो मालूम पड़ेगा बच्चों एमयू ज़्यादा है कि कम है, एक ही टी वी कैसे मालूम पड़ेगा. तो देर इज एन नंबर ऐसे प्रोडक्ट बच्चों सिंगल प्रोडक्ट है, ओके. सो दिस रूल विल नॉट अप्लाई बच्चों, यू हैव टू बी द डिविजुअल टू डिविजुअल, डिवाइड कर सकते हैं बच्चे स्मॉल पीसेज में हम लोग, ओके. सो लॉ अज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज अ डिविजुअल सो दैट इट कैन एक्वायर इन अ स्मॉल क्वान्टिटी बच्चों. तो ऐसा लॉ होना चाहिए जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं. तो वेन यू डिवाइड द प्रोडक्ट बच्चों तो वी कैन कंज्यूम मोर एंड मोर बच्चों. अब ऐसा प्रोडक्ट ले लिया बच्चों जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग इन द स्मॉल प्रोडक्ट नाइदर टू बिग नॉर स्मॉल बच्चों, तो उसको जब डिवाइड नहीं कर सकते वी कैन कंज्यूम कंटिन्यू बच्चों. फिर उसको डिवाइड करने में ही टाइम लगे आपको, इससे प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए बच्चों जो इजीली डिवाइड कर सकते हम लोग, ओके बच्चों. एंड द लास्ट वन बच्चों है कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी. कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम बच्चों. अभी क्या बच्चों, जब भी हम कुछ पैसे स्पेंड करते हैं बच्चों हम लोग, ओके ना, ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपने कोई चीज़ 100 रुपये खरीदा बच्चों, तो आपका माइंड सेट क्या बोल रहा है, वो प्रोडक्ट का यूज मुझे 100 रुपये के वैल्यू तक मिलना चाहिए बच्चों. अगर वो प्रोडक्ट का बेनिफिट 100 रुपये के वैल्यू की इक्वल मिल गया था बच्चों तो वी आर सेटिस्फाइड, उससे ज़्यादा मिला तो वी आर डिलाइटेड, अगर उससे कम मिला बच्चों तो वी आर डिससेटिस्फाइड. ओके बच्चों, तो अल्फा मार्शल सेइंग दैट कोई भी प्रोडक्ट होता है जिसका हमने जितना पैसे हमने इन्वेस्ट किया स्पेंड किया बच्चों उसके इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए बच्चों. इफ आई बाय बच्चों भाई ये 20 रुपये का मैंने पेन लिया तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि 20 रुपये का इसका वैल्यू मिलना चाहिए बच्चों, ठीक ना. तो व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम द यूटिलिटी ऑफ द रिमेनिंग मनी इनकम इज द सेम एज द टोटल इनकम बच्चों. एट भी बच्चों पर्टिकुलर अमाउंट बच्चों हम लोग वेरियस प्रोडक्ट पे खर्च करते बच्चों, तो मार्केट में क्या बच्चों तो ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट बच्चों, ओके. अब से एग्जांपल बच्चों आपने मार्केट में गए वेजिटेबल्स यू बाय एंड टाटा सॉल्ट, ठीक है बच्चों. ऐसा हो सकता है बच्चों वेजिटेबल 10 रुपये का सॉल्ट नमक 100 रुपये का, विल इट बी फेयर, कैसा करेगा 100 रुपये का नमक दो भाई 10 रुपये का वेजिटेबल, नो. क्यों बच्चों, कि सॉल्ट का प्रपोर्शनेटली हमारे फूड में कम है ना बच्चों, तो जब प्रपोर्शनेटली वो कम यूज़ करते हैं तो उस पर इनकम भी स्पेंड लेस करना पड़ेगा बच्चों. ये प्रपोर्शनेटली ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों तो इस पर अमाउंट भी ज़्यादा स्पेंड करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है बच्चों. तो दैट्स वाई वेजिटेबल पे 100 भी आई कैन स्पेंड एंड ऑन सॉल्ट 10 रुपये बच्चों. वाई बिकॉज ये प्रपोर्शनिटी क्या करता है बच्चों, सो लेस यूज होता है. तो इन द प्रपोर्शनिटी लेस यूज करते बच्चों सो इनकम शुड बी स्पेंड लेसर. द आइटम विच आर यूजिंग मोर ऑन दैट वी हैव टू स्पेंड मोर बच्चों, ओके. तो था बच्चों एजम्पशन था अल्फा मार्शल का. तो अल्फा मार्शल बोलता अगर ये 9 कंडीशन अगर सेम रहेगा तो बच्चों तो मेरा लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा बच्चों. इसमें से एक भी कंडीशन का ब्रेक हुआ बच्चों सो माय अल्फा मार्स लॉ विल नॉट अप्लाई. कि बच्चों कितना मिनट हुआ है,